Jacket, break it down, right? Jacket, break it down. Jacket, not slice it. Slice it. I'll push you slice it. मेरा नाम अमरपाली है, मैं कोलकाता से हूँ जी। कोलकाता में तो बहुत धूप रहता है, 42 डिग्री 45 डिग्री चलता है। इधर तो मतलब वेदर बहुत एकदम कोल्ड है, ठीक है। इधर फिर भी ठीक है, बट जब हम लोग कश्मीर ट्रेक में गए तो उधर तो 5 डिग्री चल रहा था। आज आप लोग दूधपथरी के हसीन वादी में आई, कैसा फील हुआ ये देख के? नेचर तो बहुत सुंदर लगा, क्योंकि हम लोगों के उधर तो ऐसा नेचर नहीं मिलता, ठीक है। इतना बढ़िया बढ़िया सीन है, ठीक है, बहुत फ्रेंडली है वो लोग। हाँ, और बहुत समझते हैं कि हम लोग कैसे बोलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, तो एडजस्ट कर लेते हैं। क्या कश्मीर पहली बार आए हो? हाँ, कश्मीर पे आइए, कश्मीर को देखिए। हाँ, कश्मीर की वादियों में खो जाइए, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक बार बैठ गए तो उठने का मन नहीं करेगा। कि आप ज़्यादा मतलब बाहर के देशों में जाने से बेहतर है कश्मीर में आइए, ये वादियों में एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत है ना, ये व्यू आपको कहीं और मिलेगा नहीं। और जो ज़्यादा पैसा खर्च करके आप बाहर के देशों में जाते हैं व्यूज़ देखने के लिए जाते हो, उससे बढ़िया तो यहीं पे मिल जाता है। मैं सेफ है, बहुत सेफ है, क्योंकि मैं अकेले भी 9 बजे 10 बजे ऐसे ही खाना खाने के लिए निकली हूँ जहाँ पर हम लोगों का होम स्टे है जी। तो मुझे कुछ डर सा फील नहीं हुआ, एकदम सेफ है पूरा, शीटिंग वीटिंग नहीं हुआ मेरे साथ कश्मीर में। ऑल ओवर जो ग्रुप आपके, हाँ, किसी के साथ किसी में के साथ भी। शॉपिंग भी किया ही होगा यहाँ कश्मीर में? नहीं, आज करेंगे। आज करेंगे, चलो ठीक, थैंक जी। और पहले तो हम लोग KGL ट्रैक पे गए थे, KGL कंप्लीट कल ही किया था, और हमारा जो एक्स्ट्रा डे था वो हमने नहीं लिया, तो आज एक्स्ट्रा डे हमें मिल गया। तो हम सोचे एक ही दिन में कहाँ घूम सके, घूम के वापस भी जाना था, और बहुत सारे शॉपिंग और पैकिंग भी करना है, तो इसीलिए सोचने के बाद हमको दूधपथरी का ऑप्शन मिला। तो सोच के आए थे कि ऐसा होगा, बट उससे भी बढ़िया निकला। मतलब ये जो वैली है, ये जो वादियाँ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कश्मीर की जो वादियाँ बोलते हैं, जो अर्थ इन हेवन। कहाँ घूमे आप लोग टूरिस्ट रिजॉर्ट पे? नहीं, टूरिस्टिक बेसिकली हम टूरिस्ट स्पेस पे नहीं जाते, हम लोग ऑफ द ट्रेल जो ट्रैक okay, है बेसिकली वही करते हैं, जो थोड़ा ऑफबीट होता है। तो फिलहाल के लिए हम KGL करके ही आए। और तुम्हें कुछ? मेरा नाम प्रीतेश सारण है, मैं यमुनानगर राजस्थान से जी। कितने दिनों से कश्मीर में? कश्मीर में मेरे को भी 3-4 दिन ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। तो कैसा लग रहा है ऑल ओवर कश्मीर? बहुत अच्छा लग रहा है, वादी अच्छी है, दूधपथरी बढ़िया व्यू है ऊपर। क्या दूधपथरी आपके ट्रिप में है जी? किसने सजेस्ट किया आने के लिए? ये चिराग सर ने। ओके, क्या मैसेज देना चाहते हो बाकी लोगों को कश्मीर आने के लिए? यही कि आओ तो एक बार दूधपथरी जरूर आओ, दूधपथरी आके जरूर देख के जाओ, गुलमर्ग से ज़्यादा अच्छा दूधपथरी है। ओके, बराबर